तो अगली खबर धनबाद से है, जहां धनबाद विधायक राज सिन्हा ने नामांकन किया। बता दें कि बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ राज सिन्हा बारिश में नाचते गाते खुशी का इजहार करते धनबाद समाहरणालय पहुंचे। तो वहीं सिंदरी से प्रत्याशी तारा देवी भी थोड़ी देर में नामांकन करने धनबाद समाहरणालय पहुंचने वाली है। भाजपा विधायक और राज सिन्हा जो है वो अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, अभी हम मौजूद हैं यहाँ मेनको मॉल में। हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो भीड़ है, ये कहीं ना कहीं भाजपा समर्थक हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। भारी बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में यहाँ पर समर्थक पहुंचे हैं और राज सिन्हा जो धनबाद विधायक रह चुके हैं दो बार, वो तीसरी बार भाजपा ने उन पर दाव लगाया है और वो फिर अभी गए हैं यहाँ से नामांकन के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं भारी सुरक्षा बल जो है यहाँ तैनात है और यहाँ बैरिकेडिंग की गई है और इस वजह से समर्थक जो है वो अंदर नहीं जा सके हैं और बारिश के बावजूद भी यहाँ पर बड़ी संख्या में समर्थक जुटे हुए हैं। दूसरी ओर भाजपा की प्रत्याशी सिंदरी से प्रत्याशी तारा देवी वो भी आने वाली है और उनके भी समर्थक जो है वहाँ यहाँ पर मौजूद है और अब से थोड़ी ही देर के बाद तारा देवी यहाँ पर आएंगी और वो नामांकन करने जा रही हैं और इसी वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं जो कि मानी जा रही है वो तारा देवी के समर्थन में यहाँ पर आई हैं और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से लेकर और धनबाद विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ पर उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं। अपने सहयोगी राजकुमार के साथ शरद पांडे भाजपा।